एयर इंडिया के अधिकारी से बदतमीजी करने वाले शिवसेना के चप्पलमार सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने आज लोकसभा में अपनी सफाई दी। गायकवाड़ ने कहा कि पहले एयर इंडिया के अधिकारी ने बदसलूकी की, जिसका उन्होंने जवाब दिया। मैंने शांति से पूछा, आप क्या हो? तो उन्होंने कहा, मैं एयर इंडिया का बाप हूँ। मैंने कहा कि मैं एमपी हूँ, तो वह चिल्ला कर बोला, एमपी हुआ तो क्या हुआ, तू नरेंद्र मोदी है क्या? ये बोलकर उन्होंने मेरी कॉलर पकड़कर ढकेलने की कोशिश की। इस दुर्व्यवहार और अपमानित करने वाले बर्ताव से मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे ढकेल दिया। गायकवाड़ ने लोकसभा अध्यक्ष से अपनी उड़ान पर लगी रोक हटाने की मांग की। शिवसेना के कोटे से केंद्र में मंत्री अनंत गीते ने भी गायकवाड़ के समर्थन में पक्ष रखा। अपराध की जांच किए बिना एयर इंडिया ने सीधा जो पनिश किया और सारी एयरलाइंस ने उनकी यात्रा पर जो बंदी लगाई, ये कौन सा न्याय है? सदन में जवाब देते हुए केंद्रीय विमानन मंत्री गजपति राजू ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। एयरक्राफ्ट्स आर मशीन्स वेयर पीपल फ्लाई एंड सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट एंड सेफ्टी विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। इसके बाद गुस्साए शिवसेना सांसदों ने विमानन मंत्री गजपति राजू को लोकसभा में ही घेर लिया। इसके बाद थोड़ी देर के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। दरअसल बिजनेस क्लास में सफर को लेकर हुए झगड़े के दौरान गायकवाड़ ने एयर इंडिया के अधिकारी की चप्पल से पिटाई कर दी थी। इस घटना के बाद फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने गायकवाड़ की हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि आज गायकवाड़ ने संसद में कर्मचारी को चप्पल मारने की बात नहीं कबूली। इससे पहले मीडिया से बात करते वक्त उन्होंने चप्पल मारने की बात कबूली थी। हाथ से मारा है क्या? हाथ पे क्या क्या बोला? हाथ से मारा है। मैंने सैंडल से 25 मारा है। मारा है ना? इतना ही नहीं, शिवसेना ने धमकी दी है कि अगर गायकवाड़ पर से बैन नहीं हटता तो मुंबई से एक भी फ्लाइट को उड़ान नहीं भरने दिया जाएगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।